नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360 और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई में भारत ने न्यूजीलैंड को बस 157 रन पर ढेर कर दिया है। न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और दूसरे ही ओवर में शमी ने कप्टिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद मुनरो ने भूवी के नेक्स्ट ओवर में दो चौके लगाकर प्रेशर को कम करने की कोशिश की, पर इसके बाद अगले ही ओवर में शमी ने फिर मुनरो को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से दो ओपनर को क्लीन बोल्ड कर शमी ने भारत को अच्छी शुरुआत और न्यूजीलैंड को खराब शुरुआत दिलवाई। इसके बाद रॉस टेलर और कप्तान विलियमसन ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला, पर इसके बाद चहल की एक बॉल पर रॉस टेलर चहल को ही कैच थमा बैठे। इसके बाद दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरती रहीं। विलियमसन ने पारी को संभालने की कोशिश की और 100 रन के पार पहुंचाया, पर थोड़ी ही देर बाद फिर विलियमसन भी कुलदीप यादव की बॉल पर आउट हो गए। इस तरीके से न्यूजीलैंड की पारी बस 157 रन पर ढेर हो गई, जिसमें मुख्य श्रेय जाता है शमी को, जिन्होंने दो ओपनर्स को क्लीन बोल्ड किया। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 4, केदार जाधव ने 1 और चहल ने 2 विकेट लिए। इस तरीके से आज लग रहा है कि भारत जीत के करीब है। और दूसरी बड़ी खबर आई है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच से, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से कल हरा दिया। जी हाँ, अब इंडिया का जीत के करीब होना और पाकिस्तान का हारना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 360.com। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।